तो अभी जिस तरह आप लोगों ने फ्रेंड फंक्शन पढ़े थे, इसी तरह हमारे पास फ्रेंड क्लासेस भी होती है। फ्रेंड फंक्शन के जरिए किसी और आपके पास किसी क्लास में पढ़े हुए प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल को हमने क्या किया, उस क्लास से बाहर इस्तेमाल किया। हालांकि वेरिएबल जो होते हैं जो प्राइवेट में लिख दिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन हमने किया उनको, ठीक है। और ये किसकी बदौलत हुआ था, आपके पास फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। इसी तरह आप लोग फ्रेंड क्लासेस के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। फ्रेंड क्लासेस थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट वही है कि अ टाइप ऑफ क्लास हुज ऑल मेंबर, ठीक है, फंक्शन आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। यहां पे मामला ये था कि जो आप लोगों ने फंक्शन क्लास में फ्रेंड के तौर पे लिखा था, वो फंक्शन ही सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा था। अगर आप लोग पूरी की पूरी क्लास के फ्रेंड कह दोगे तो उस दूसरी क्लास, लेट्स सपोज ए क्लास के अंदर आपने दो वेरिएबल लिखे प्रोटेक्टेड, मैंने एक और क्लास बनाई और इस क्लास को फ्रेंड क्लास कह दिया, तो ये फ्रेंड क्लास क्या करेगी, इसके अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हुए वो सारे के सारे फंक्शन, ठीक है, इस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को आपके पास क्या कर सकता है, एक्सेस, ठीक है। फर्क क्या पड़ रहा है कि आपने अगर पूरी क्लास को फ्रेंड कह दिया, उस क्लास में जितने भी फंक्शन बनेंगे सारे के सारे इसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, क्लास वन के सारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो वो एक फंक्शन आपके क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सेस। और अगर क्लास को, ठीक है, एक सेकंड क्लास बना दे तो सेकंड क्लास को अगर फ्रेंड क्लास बोल दे तो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन बनाओगे वो हर फंक्शन यानी कि हर फंक्शन को अलग-अलग फ्रेंड फंक्शन कहने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लास को अगर मैं फ्रेंड क्लास बोल दूंगा तो पूरी क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है वो पहले क्लास के अंदर मौजूद प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल को आपके पास क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल भी देखते हैं, थ्योरी भी साथ साथ पढ़ लें एक बार। A type of class whose all member, एक ऐसी क्लास जिसके सारे के सारे मेंबर फंक्शन जो से हैं वो अलाउ है, उनको अलाउ है क्या करने के लिए कि वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास उनके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस। कौन? सेकंड क्लास, जो क्लास को अपने फ्रेंड कहना है, उसके जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे। और साथ में कहता है A class that is declared with an other class, एक ऐसी क्लास आपने एक सेकंड क्लास बनाई है, उसके आपने declare उसके head वाले पार्ट को लेकर क्लास वन के अंदर friend keyword के साथ लिख दिया, तो वो क्लास क्या बन जाती है, friend class बन जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लें, ठीक है। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में क्या किया, मैंने क्लास ए बनाई आपके पास, ये आपकी क्लास ए है यहां से लेकर यहां तक। क्लास ए के अंदर मैंने क्या किया, प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक का नाम ए, एक आपके पास क्या है नाम बी, और एक इसके पब्लिक वाले पार्ट में कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। क्लास के नाम की तरह इसका नाम है ना, रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर लेते इसी काम के लिए कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाए, ए को 10 से कर दिया, बी को 20 से। साथ ही साथ मैंने नीचे क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या रख दिया, बी, क्लास बी, और उसके अंदर क्या किया, बी क्लास में प्राइवेट वाला कोई पार्ट है ही नहीं, सिर्फ पब्लिक स्पेसिफायर लिखा, और आपने एक सिर्फ उसके अंदर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, शो, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, पहली क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और साथ ही साथ देखें पहली क्लास के ऑब्जेक्ट पास करने के साथ ही हमने क्या किया, इसके वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है। ओबीजे डॉट ए लिखा और ओबीजे डॉट बी। अब ये ए बी क्या थे, क्लास ए के प्राइवेट, प्राइवेट आपके पास क्या थे, डाटा मेंबर, लेकिन हम लोग इसे कहां यूज कर रहे हैं, बी क्लास में, ठीक है। और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो भी हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट उसका पहले वेरिएबल का नाम और डॉट दूसरे वेरिएबल का नाम, और ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। कैसे एक्सेस करेगा, हमने उसके लिए क्या किया, ये क्लास के हेड वाले पार्ट को पकड़ा, क्लास ए में जाके लिख दिया, और साथ में कीवर्ड क्या लगा दिया, फ्रेंड। ये फ्रेंड कीवर्ड क्लास ए के अंदर जो क्लास बी को लिखेंगे तो क्या करेगा, क्लास ए को बता देगा कि क्लास बी भी आपकी क्या है, फ्रेंड है। इसका मतलब है क्लास ए की तमाम चीजें जो है क्लास बी भी आपस में शेयर कर सकते हैं, दोनों रूममेट है, दोनों आपके पास क्या फ्रेंड है, आपस में अपनी चीजों का तबादला कर सकते हैं, जो मर्जी चीज हो फिर, ठीक है।
तो अब इसे चला के देखते हैं, मेन का कोड मैंने जरा ऊपर करके यहां पे लिख दिया, मेन के अंदर दो ऑब्जेक्ट बना लिए, क्लास ए का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास बी का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, ए क्लास के ऑब्जेक्ट एक्स नाम रख दिया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का वाई नाम रख दिया, और ये पॉसिबल है, कोई इसमें मसला नहीं है, एक लाइन में जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या आता है, सेमी कोलन, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y के जो शो का फंक्शन है उसे कॉल करना था, तो y डॉट शो लिखा, तो y का डॉट y डॉट y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को ना, b का फंक्शन शो वाला जो है कॉल होगा, लेकिन वो कॉल होने के लिए क्या मांग रहे हैं, ऑब्जेक्ट a, a का ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं, a का ऑब्जेक्ट मैंने x नाम का बनाया था, मैं उसमें मैंने क्या कर दिया, पास करवा दिया, ठीक है, तो x अपनी वैल्यू जाके इस obj को दे देगा, और obj क्या करेगा, x की आने वाली वैल्यूज को, ठीक है, अपने पास यहां पे क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी आपके पास, तो रैम के अंदर आपके पास क्या होगा, एक आपके पास x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक y नाम का, x बेसिकली a को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b, इट मीन अगर ये आपके पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है, तो जो जो a के अंदर पड़ा वो सारा कुछ x को मिल गया, जो जो b में पड़ा सारा कुछ किसको मिल गया, y को मिल गया, a के अंदर क्या पड़ा होता, एक a नाम का स्मॉल a नाम का वेरिएबल, एक स्मॉल b नाम का वेरिएबल, वो x का भी एक पार्ट है, ठीक है, b के अंदर क्या पड़ा होता, शो नाम का सिर्फ फंक्शन, अब वो शो नाम का फंक्शन जो है वो y का भी पार्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर इन दोनों में कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो वो भी चल जाएंगे, तो पहले वाले में तो कंस्ट्रक्टर मौजूद है, वो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, यानी कि आपके पास क्या होगा, इसी लाइन के चलते, ठीक है, आपके पास क्या होगा, रैम के अंदर x नाम का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके a के अंदर 10 और b के अंदर क्या हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही वाली लाइन आगे वाली पार्ट चलेगा तो क्या होगा, आपके पास रैम में y नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि सब सेम टू सेम इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, b को, b के अंदर क्या शो, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी शो का फंक्शन आ गया, ठीक है, यहां तक मामला हो गया। फिर अगली लाइन चली, अगली लाइन क्या लिखी है, y डॉट शो, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, इसका मतलब b डॉट शो, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, b के अंदर शो का फंक्शन चला रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल हुआ आपके पास, b के अंदर शो का फंक्शन आके चला, लेकिन शो का फंक्शन चलने से पहले क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो मेन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, x, वो हमने इसमें पास किया, x अपनी तमाम वैल्यू किसको दे देगा, आपके पास obj को, तो obj नाम का जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब x को, x से तमाम वैल्यू किसको मिल जाएंगी, x अपनी तमाम वैल्यू किसको जाके दे देगा, obj, ठीक है, तो x के अंदर a के अंदर b और a के अंदर 10 और b के अंदर क्या पड़ा था 20, तो obj के अंदर a नाम का वेरिएबल होगा उसके अंदर 10 और b के अंदर क्या पड़ा होगा आपके पास 20 पड़ा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, सारी x की वैल्यू लेके जाके आपके पास obj को मिल गई, अब अगली लाइन चलेगी, ठीक है, शो फंक्शन के एक ही लाइन है, वो लाइन जब चली ये वाली, ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट चला है, अब आपके पास क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट, जैसे ये लाइन चलेगी, सी आउट में डबल कोटेशन में जो लिखा जाता है आपकी स्क्रीन पर एज इट इज क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, तो सी आउट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, दी वैल्यूज, तो आपके पास स्क्रीन पे क्या लिखा देगा, दी वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट हो गया, अगले इंसर्शन में क्या है, ओबीजे के अंदर जो ए की वैल्यू वो डिस्प्ले कराओ, ओबीजे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ठीक है, तो a का आपके आपके जो ऑब्जेक्ट था उसके a में क्या पड़ा हुआ था आपके पास 10, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट था क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये फ्रेंड कह के डिक्लेयर हुआ है, क्लास b जो होती है फ्रेंड कह के डिक्लेयर हुई है, इसलिए क्लास b के अंदर आकर जब आप क्लास a के ऑब्जेक्ट का एक्सेस करोगे तो आपको क्या करेगा, एक्सेस करेगा, सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरी क्लास को डिक्लेयर किया अंदर जाके पहली क्लास में, स्टार्ट में क्या लिखते हैं फ्रेंड, ये क्या करेगा आपको एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी देगा, आपको फुल अथॉरिटी देगा कि आप ए के, ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिखने से क्या होगा, ये वाली लाइन पकड़ के इधर लिखनी है साथ में फ्रेंड, अब इस लाइन से आपको अथॉरिटी क्या मिलगी कि आप ए के अंदर प्राइवेट वाला पार्ट एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बी के अंदर ए टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ए टाइप का जो बनाया उसका नाम क्या रखा, ओबीजे, obj dot a लिखूंगा तो a के अंदर आकर a की वैल्यू उठा देगा, obj dot b लिखूंगा तो वो a के अंदर आकर b की वैल्यू भी क्या करेगा, उठा लेगा, ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक दूसरे को इस्तेमाल कर नहीं सकते, इसलिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, मेन का, मेन में जाके दो नए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए x और y के नाम से, ठीक है, x y के ऑब्जेक्ट चल गए,
जब आपने ये लाइन चलाई y डॉट शो, उसने कॉल किया किसको, इसको, ठीक है, b के शो वाले फंक्शन। जब ये लाइन चली तो इसके पैरामीटर वाले पार्ट में क्या है, आपके पास एक मजीद एक नया ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, उसका नाम क्या था, ओबीजे। रैम एक नया ओबीजे बना। अब ये क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे क्या करेंगे, x अपनी तमाम वैल्यू, जब ये देखो ना चीजें मैच कर गई ना, कि y डॉट शो करना है, कॉल करना है y का मतलब b, तो b के तो शो को कॉल करेगा, x अपनी तमाम वैल्यू किसको दे देगा, ओबीजे को। ओबीजे ने अपनी तमाम वैल्यू क्या कर दी, x से शेयर कर दी है, कह लो x ने अपनी तमाम वैल्यू शिफ्ट कर दी किसके पास, ओबीजे के पास कर दी। अगली लाइन में आए ये एज इट इज डिस्प्ले, और हम लोग क्या करने लगे, ओबीजे डॉट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ओबीजे ने कहां से वैल्यू ली थी, x से, x की वो वैल्यू क्या करेगा अपने पास लाकर डिस्प्ले करवा देगा। अब इस फिनोमेना में हो क्या रहा है, कि x जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास, a को, आपने कॉल किसको इस वक्त किया हुआ है, y डॉट शो को, यानी कि आपने बेसिकली किसको कॉल किया हुआ है, b को। हम लोग क्या कर रहे हैं, b के जरिए, ठीक है, a का ऑब्जेक्ट बनाकर b के अंदर इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास किसकी बदौलत हो पा रहा है, फ्रेंड क्लास की बदौलत हो पा रहा है। तो आपने यहां तक क्या देखा, कि क्लास a क्लास b, क्लास b को फ्रेंड कर दिया a के साथ, अब ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, फ्रेंड। और इससे हमें फायदा क्या होगा, क्लास b में जितने भी फंक्शन बनाओगे, ये तो एक है, आप जितने भी फंक्शन बनाओगे उन तमाम फंक्शन के अंदर क्लास ए के प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर सकोगे। और ये सारे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, क्लास बी के डिक्लेरेशन जो सी है उसे आपको क्लास ए में लिखना पड़ा, और स्टार्ट में आपने क्या लिखा, फ्रेंड। इससे फायदा क्या हुआ, क्लास बी के अंदर हमने डायरेक्ट आकर क्लास ए के प्राइवेट वाले वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ए की ओबीजे इसलिए लिखा है क्योंकि ए का हमने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लिया, उसके ऑब्जेक्ट के लिए हमने ए और बी को क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो बस ये इतना सा मामला था, क्लास आपके फ्रेंड क्लास में इतना ही होता है हमारे पास, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पूरी क्लास को फ्रेंड कर देते हैं क्लास ए के साथ, तो ये दोनों क्लासेज आपस में जुड़ गई, दोनों दोस्त बन गई, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग क्लास ए के तमाम प्राइवेट या यहाँ पे प्रोटेक्टेड वाला पार्ट होता, उसमें जो भी वेरिएबल या डाटा मेंबर्स लिखे हैं उनको हम लोग क्लास बी में क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। एक्सेस करने के लिए इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ना है कि क्लास बी के अंदर आकर पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इसके जो वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इसके जो से वेरिएबल को आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो। दूसरा टॉपिक आज का आपके पास लेक्चर नंबर 10 के अंदर है, वो स्टैटिक फंक्शन के नाम से, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन में कहते हैं अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन That can be accessed without creating any object of the class. आप लोगों ने अभी तक क्या देखा है, आप लोगों ने जितने भी क्लासेस के अभी तक कंसर पढ़े हैं, आप लोग हमेशा मेन में जाकर इस क्लास का जो भी आपने क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, फिर उस ऑब्जेक्ट के जरिए क्या करते थे, उसके फंक्शन वगैरह को एक्सेस करते थे। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग हमारे पास एक ऐसा कंसर भी है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर मेन के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी आपके फंक्शन को आपकी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को आपको अगर एक्सेस करना हो, ठीक है, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आपको उसके अंदर मौजूद फंक्शन को एक्सेस करना हो, तो आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्टैटिक का, ठीक है। प्रोटीन एग्जाम्पल इसके साथ में, ठीक है, हम लोग ने क्या किया, अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है आपकी दोनों, ठीक है, उसके अंदर आपकी हेडर फाइल लिखी है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली भी, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच वाली भी, ठीक है। साथ में हमने एक क्लास बना ली, क्लास का नाम फिलहाल हमने क्या रखा, टेस्ट, ठीक है। दो पार्ट के अंदर जो नॉर्मली आप लोग क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक वाला, प्राइवेट में हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, सिंपल वेरिएबल भी लिया, स्टैटिक वाला ले लिया। स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट आप लोग आठवें लेक्चर में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल का याद है ना आपके पास क्या फायदा था, स्टैटिक वेरिएबल से ये होता था, यहाँ पे तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल से आपको फायदा ये था कि अगर आप एक ही क्लास का मेन में जाके दो तीन चार पांच अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो आपका स्टैटिक वेरिएबल इन पांचों ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बनेगा, ठीक है, और अपनी वैल्यू सारों को क्या करेगा, शेयर। नॉर्मली क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो हर एक के अंदर अपना अपना वेरिएबल पड़ा होता है, उसकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे फायदा क्या है कि क्लास में अगर आप लोग कोई स्टैटिक वेरिएबल ले लो तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके लिए ये वाला वेरिएबल रैम के अंदर एक ही क्रिएट होता है, ठीक है।
बारह, ये तो आठवें लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में आपने स्टैटिक फंक्शन पे फोकस करने, हमने क्या किया फंक्शन बनाया, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप अपना जो फंक्शन है उसको नॉर्मली जितना डिक्लेयर करते हो उसी तरह बनाओगे, सारा कुछ उसी तरह लिखोगे, लेकिन उसके डिक्लेरेशन वाले पार्ट में, उसके हेड वाले पार्ट में, उसके स्टार्ट में क्या कर दोगे, उसके आउटपुट टाइप से, रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक का कीवर्ड लिखोगे, ठीक है। तो मैंने स्टैटिक का कीवर्ड लिखा और इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं करवाया सिवाय आपके इस एन की वैल्यू को डिस्प्ले कराने, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास है, ठीक है, आए हैं इसे देखते कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें छोटा सा मसला भी है, हमने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है निचला है तो क्या नहीं, इसका मतलब है जब रैम के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट होगा इसके अंदर क्या पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो इसको इसके फंक्शन को यूज करने से पहले एन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ तो आप लोग क्या कर लो, कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज कर लो। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट तो बड़ी बार पढ़ चुके हैं, एक नया छोटा सा कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, मेन से पहले, मेन से पहले इस एन नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। उसके लिए करना क्या होगा आपको, आपको अपनी ये वाली लाइन कौन सी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। आप लोगों को मेन से पहले, ठीक है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल था ना ये, और किसका था, टेस्ट क्लास का। तो आपको क्या लिखना है, इंट स्पेस क्लास का नाम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये वेरिएबल का नाम, ठीक है। इंट क्लास का नाम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और साथ में अपने वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइज, ठीक है। आपके मेन के चलने से पहले ही आपके पास रैम के अंदर ये वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट होके उसके अंदर टेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्या करेगा, टेस्ट की क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल को क्रिएट भी कर देगा, ठीक है, उसको यूज करने से पहले ही क्रिएट भी कर देगा, उसके अंदर क्या स्टोर करा देगा, टेंथ को स्टोर करा देगा, ठीक है। ये तो हो गया, अगर आप लोगों के स्टैटिक वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज ना कराया हो, यूजर से भी वैल्यू नहीं लेके स्टोर कराई अभी तक, और ना ही आप लोग इसके अंदर अपने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू स्टोर करा रहे हो, तो आपका एक और मेथड है, ठीक है। अब आपके ये जो स्टैटिक फंक्शन है जिसके बारे में हमने भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, मेन के अंदर आ जाए, मेन के अंदर आओ, अपनी क्लास का नाम लिखो, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और साथ में क्या लिख दो, आप इसके अंदर मौजूद हो से फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन है जिसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखा हमने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया क्लास का, और डायरेक्ट क्या किया, क्लास का नाम रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अपना वो स्टैटिक फंक्शन का नाम लिखा है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही वो डायरेक्ट कंपाइलर क्या करेगा, टेस्ट क्लास में जाएगा और उसके शो वाले फंक्शन को आपके पास क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ये लाइन चलेगी आपके पास क्या होगा, स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ एन इक्वल, जो भी डबल कोटेशन के अंदर है वो एज इट इज, ठीक है। अगले इंसर्शन के बाद एन लिखा हुआ है तो ये एन की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और एन के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, एन के अंदर आप लोगों ने मेन से पहले ही 10 स्टोर करा हुआ था, तो यहां पे एन के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास 10 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहां तक छोटा सा मामला था, यहां तक आपका 13 चैप्टर सारा क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। याद रहे स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा मामला पेश आ जाए कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही किसी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना हो, तो आप उस फंक्शन को पहले स्टैटिक करके आते हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर उस फंक्शन को क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। याद रहे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग क्या करते थे, मेन में आके पहले अपनी क्लास का नाम लिखते थे, स्पेस के बाद जो नाम देते थे, और फिर उस नाम के साथ डॉट लगा के फंक्शन का नाम लिखते थे, तब आपके पास वो फंक्शन क्या होता था, एग्जीक्यूट, कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अपने फंक्शन का नाम लिख के चलाते थे। ये था नॉर्मल कंसेप्ट, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से हट के बिहेवियर देख रहे हो, वो बिहेवियर क्या है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, ठीक है, क्या करना है, अपनी क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन के एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्या चेंजिंग बताई आखिरी बार हमारे सर, क्या चेंजिंग बताई कि पहले आप उस फंक्शन को स्टैटिक कह दिया, ठीक है, फिर आप लोग आगे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इस काम के लिए हमने किसकी और साथ में मदद दी, रेजोल्यूशन ऑपरेटर की, ठीक है। तो नॉर्मल सेट के दो चीजें आप लोगों ने की, अपने फंक्शन के स्टार्ट में स्टैटिक लिखा
और डायरेक्ट क्लास का नाम लिखे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास का नाम लिखा, रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा और फंक्शन का नाम, ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही इसे एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, ये मामला यहाँ तक ही था, यहाँ तक आपका 13 चैप्टर सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 के अंदर आपके पास ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।